है दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया था ट्रांसफार्मर का। मैंने आपको उसके अंदर ये बताया कि कोर का मटेरियल कैसा होता है, फिर मैंने आपसे बात की कि कोर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से किया जाएगा, कि हम लोग लैमिनेशन यूज करेंगे जो 0.35 मिलीमीटर थिक होंगी, ठीक है, और लैमिनेशन यूज करने का पर्पस था टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉस, और लैमिनेशन के बीच में मैंने बताया इंसुलेशन लगाते हैं ताकि एडी करंट एक लैमिनेशन से दूसरी लैमिनेशन में ना जाए। फिर हमने देखा स्टैकिंग फैक्टर होता है जो लैमिनेशन का क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसमें लैमिनेशन प्लस इंसुलेशन आ जाता है। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर के कोर के दो कैटेगरीज देखे, कोर टाइप और हमारा शेल टाइप। कोर टाइप में हमने ये देखा कि वो हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन में यूज होता है, वहां टर्न्स दोनों लिंब पे डिवाइडेड होते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाहर लगाई जाती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। शेल टाइप में हमने देखा दोनों ही वाइंडिंग सेंट्रल लिंब पे होती हैं और दोनों ही वाइंडिंग्स अल्टरनेटिवली लगाई जाती हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, इस टाइप से। और उसके अंदर हमने ये देखा कि लीकेज कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कपलिंग बेहतर होती है। जब दोनों सेम लिंब पे वाउंड है और दोनों के बीच का गैप मिनिमम रखा जाए तो एक वाइंडिंग से बनने वाला ज्यादातर फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग से पास होता है, जबकि कोर में जो बाहर वाली हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसका कुछ फ्लक्स एयर से पास हो जाता है, तो सारा फ्लक्स एलवी वाइंडिंग से नहीं जा पाता है, ठीक है, इसीलिए लीकेज बेटर किस में होता है, शेल टाइप में। तो हम अपना आज कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, यानी कोर का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखना चाहिए। अब अभी तक देखो जो भी मैंने क्रॉस सेक्शन तुम्हें ड्रॉ करके बताया है, मैंने कैसा बताया है, रेक्टेंगल बताया है, तो पहले यही पॉइंट लिखना, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर इज रेक्टेंगुलर। देखो कैसे होता है क्रॉस सेक्शन, अगर देखोगे तो ऐसे एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा जिसमें लैमिनेशंस होंगी और लैमिनेशंस के बीच बीच में इंसुलेशन होगी, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक बार ये हमारा बन गया, इसके ऊपर जो है ना इंसुलेशन लगाएंगे, सबसे पहले वाइंडिंग लगाने से पहले पहले इंसुलेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है, ये इंसुलेशन दे दिया, अब इसके ऊपर वाइंडिंग दे दो, वाइंडिंग देखो सर्कुलर घुमाओगे तो वही चीज मैं दिखा रहा हूं, तो ये एलवी वाइंडिंग हो गई, अब इसके ऊपर फिर से इंसुलेशन दे दो, और इसके ऊपर फिर दे दो एचवी वाइंडिंग, इस टाइप से दिखेगा अगर क्रॉस सेक्शन कट करके देखते हो, ठीक है। ये जो रेड वाला पार्ट है दोनों जगह क्या है, ये है इंसुलेशन, ठीक है भाई। बट ऐसा क्रॉस सेक्शन कहां हम लोग यूज करेंगे, इन स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, वहां जब भी यूज करोगे दैट विल बी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। मेरी बात समझ आई, पहले ट्रांसफॉर्मर का कोर आएगा, फिर उस पर एलवी वाइंडिंग आएगी, फिर ऊपर इंसुलेशन आएगा, सॉरी ट्रांसफॉर्मर का कोर, फिर इंसुलेशन, फिर एलवी वाइंडिंग, फिर से इंसुलेशन, फिर एचवी वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ना प्रेफर करके प्रेफर किया जाता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो अगला पॉइंट लिखना, फॉर लार्ज ट्रांसफॉर्मर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन
फॉर लार्ज ट्रांसफॉर्मर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब जैसे मान लो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता था, सपोज ये है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बट इसकी जगह अगर मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेता कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब देखो इस फिगर को देख के ये चीज क्लियर समझ आ रही है कि जो सर्कल का एरिया बन रहा है दैट इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब है वॉल्यूम विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वी माने वॉल्यूम, जब एरिया कम है तो वॉल्यूम भी कम आएगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर से। अब क्या होता है, जो मैंने बताया था मटेरियल के अंदर भी हिस्टेरेसिस एंड दूसरा हमने बताया था एडी करंट लॉस, ये दोनों ही लॉस हम आगे देखेंगे कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, तो इन दोनों को मिला के बोल देते हैं कोर लॉस, क्योंकि ये लॉस कोर के अंदर आने वाला है, तो कोर लॉस कम हो गया ना वॉल्यूम कम होने से। दूसरी चीज देखो, अगर इसका सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की बात करें, ठीक है सर्कमफेरेंस की अगर बात करें तो भी फिगर देख के ये समझ आ रहा है कि ओवरऑल सर्कमफेरेंस ये बाहर वाली जो लेंथ है ये सर्कल की कम है एज कंपेयर टू स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगल बड़ा बना दो तो एलवी वाइंडिंग का एक टर्न बड़ा बनेगा, एक एक टर्न जितना बड़ा बनाओगे उतना ज्यादा कॉपर लगेगा। अगर टर्न का रेडियस कम कर दो, छोटा टर्न बनाओ, छोटा टर्न बनाने से उसका रेडियस कम, उसकी सर्कमफेरेंस कम, तो यहां से क्या कह सकते हो कॉपर रिक्वायरमेंट भी कम। ठीक है, ये मेरी बात समझ आई। तो सर्कल लेने से दो फायदे हैं, एक तो कोर का वॉल्यूम कम हो जाता है तो कोर लॉस कम हो जाता है, दूसरा उसका सर्कमफेरेंस कम हो जाने से जो कॉपर वायर हम यूज करने वाले हैं उसकी लेंथ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो ये लिखना सर, ऐसे करके क्वेश्चन ही बना लो, एक काम करो ये थ्योरी लिख लो पहले, फिर वीडियो पॉज करके पहले ये थ्योरी लिखो, फिर एक क्वेश्चन बना के लिखना वाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज प्रेफर्ड, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन स्क्वायर सो वॉल्यूम ऑफ कोर रिड्यूसेस एंड कोर लॉसेज रिड्यूस। और अगर कोर में मटेरियल कम यूज हो रहा है तो उससे यह भी फायदा मिलेगा कि तुम्हारे कोर के पैसे भी बचेंगे। ठीक है, जितना छोटा कोर उतना सस्ता पड़ेगा। अगला लिखना सर्कल हैज मिनिमम सर्कमफेरेंस एंड हेंस द लेंथ ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इन ईच टर्न इज रिड्यूस्ड। सो कॉपर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस। अब कॉपर रिक्वायरमेंट घटने से क्या होगा, हम यही तो बोल रहे हैं कि जो कॉपर की लेंथ यूज होने वाली है वो डिक्रीज हुई है। अगर कॉपर की लेंथ रिड्यूस हुई है तो रेजिस्टेंस तो मैं जानता हूं क्या होता है, रो एल बाय ए, यानी लेंथ रिड्यूस होने से रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होने से
कॉपर लॉस भी कम होगा, यानी जो आई स्क्वायर आर लॉस आएगा ना, कोई भी अगर एक कंडक्टर है तो उसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी, वो लॉस कम हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इफ लेंथ ऑफ कॉपर इज रिड्यूस्ड देन winding resistance reduces and I square R loss or copper losses, I square R loss or copper losses also reduce or copper losses also reduce। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखो फायदा क्या हुआ, कोर लॉस कम हुआ कोर की वॉल्यूम घटने से, कॉपर की लेंथ घटने से कॉपर लॉस कम हुआ, जब दोनों लॉसेस कम तो एफिशिएंसी ज्यादा। तो अगला पॉइंट लिखना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देयरफोर हैज लेसर कॉस्ट एंड हायर एफिशिएंसी। अब एक चीज सोचो ना, जब वॉल्यूम कम यूज हो रहा है तो कोर का मटेरियल कम चाहिए, उधर हम बोल रहे हैं कॉपर भी कम चाहिए, जब कोर और कॉपर दोनों कम चाहिए तो खर्चा हमारा कम होगा, तो कॉस्ट कम होगी और लॉसेस घटने से एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आइडियली ट्रांसफॉर्मर का कोर कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। लेकिन देखो सर्कुलर में दिक्कत क्या आती है, अगर एडी करेंट लॉस घटाने के लिए इसके अंदर लैमिनेशन लगाओगे, देखो लैमिनेशन कैसे बनेंगे, एक छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा फिर छोटा और छोटा, इस तरह से लगेंगे ना लैमिनेशन। अब इसका मतलब है इसमें लैमिनेशन अलग अलग साइज के चाहिए, यहां देखो सभी लैमिनेशन आइडेंटिकल यूज हुए थे, वहां लैमिनेशन सारे डिफरेंट है। तो अगला पॉइंट लिखना, अलग से लिखना ये क्वेश्चन के आंसर से अलग, in circular cross section, all laminations are of different size, and therefore manufacturing cost of such lamination is high. Manufacturing cost of such lamination is high. देखो हमेशा ध्यान देना, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो हम ये चाहते हैं एक बार में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाई जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाते हैं ना तो हर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है। बहुत सारा रिसोर्स ऐसा होता है, जैसे मान लो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हो ही रही है तो मैं चाहूंगा मशीन से जितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊं कर लूं, क्योंकि बार बार मशीन चलाने से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, बट ये ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग में बेनिफिट तब होता है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, तभी मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज भी होता है। अब अगर अलग अलग तरह की लैमिनेशन बनानी है तो इनको अलग अलग मैन्युफैक्चर करोगे, एक साथ तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब आइडियली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं बना सकते, बट सर्कल के जितना करीब जा पाओ उतना बेटर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब देखो परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते ना, तो एक सर्कल का क्लोज अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं। इस टाइप से देखो सर्कल को ना जितना क्लोज अप्रोक्सीमेट कर पाओ उतना बेटर है। अब ये एक प्लस साइन जैसा हो गया ना, अब ये देखो ये रेक्टेंगल से तो ज्यादा करीब है ना सर्कल के। अब इसमें लैमिनेशन कितनी तरह की लगेंगी, देखो एक ये भी सेम है, ये भी सेम है, फिर बड़ी लैमिनेशन चाहिए, फिर बड़ी चाहिए, फिर बड़ी, लेकिन ये बड़ी वाली जितनी भी हैं तो सारी एक जैसी, फिर से छोटी।
तो यहां देख के बताओ फिगर में कितने साइज की लेमिनेशन यूज हुई है। तो यहां लेमिनेशन दो साइज की यूज हुई है, लेमिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट साइजेस। वहां तो कई तरह के साइज मिल रहे थे, यहां सिर्फ दो साइज मिल रहे हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ एक साइज होता है, तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग रेक्टेंगल से तो ज्यादा होगी बट सर्कल जितनी इम्प्रैक्टिकल भी नहीं होगी। तो इसमें दो लेमिनेशन यूज हो रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं टू स्टेप्ड कोर। दो स्टेप है इसके अंदर, या इसे बोल देते हैं क्रूसीफॉर्म कोर। ठीक है, अगर दो से ज्यादा स्टेप यूज करते, देखो जैसे एज एन एग्जांपल ये ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं। मान लो जैसे और ज्यादा स्टेप्स होते, ऐसे होता अगर, फिर ये सर्कल के और करीब आ गया, इधर से भी ऐसे ले लो। इस टाइप से तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स का यूज करोगे उतनी ज्यादा तरह की लेमिनेशन चाहिए और सर्कल के उतना ही क्लोज जा सकते हो। तो इसमें लिखना आइडियली क्रॉस सेक्शन शुड बी सर्कुलर, आइडियली क्रॉस सेक्शन शुड बी सर्कुलर बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फीजेबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फीजेबल। So we approximate a circle by a stepped core, and if two steps are used, it is called cruciform core. It is called cruciform core. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इंक्रीज्ड देन कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन इंक्रीजेस। बट वी कैन बेटर अप्रोक्सीमेट a circular cross section. जैसे देखो इसमें कितने साइज के लेमिनेशन चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो इसको क्या बोलोगे, ये हो गया 4 stepped core। ये भी ड्रॉ कर लेना, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते हो ना वैसे वैसे सर्कल के क्लोज जाते जाते हैं। ठीक है, तो आइडियली सर्कुलर होना चाहिए बट प्रैक्टिकली सर्कल का जितना क्लोज अप्रोक्सीमेशन हो उतना बेटर है। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, गेट में तो देखो थ्योरी आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं और अदर एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं। तो कभी कोई पूछे सर्कुलर कोर का फायदा क्या है, कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। बट ये जो स्टेप्ड कोर है ये कहां यूज होगा, लार्ज ट्रांसफॉर्मर में, और स्मॉल ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज करना है, वहां हमें यूज करना है रेक्टेंगुलर कोर। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कोर की ही अगर आगे बात करते हैं, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे। अगर रेक्टेंगुलर कोर की ही बात करते हो तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पूरा रेक्टेंगल एक साथ बना दिया जाए, उसको लेमिनेशन जोड़ जोड़ के बनाते हैं और लेमिनेशन रेक्टेंगुलर नहीं होती। तो एक पॉइंट लिखना, the rectangular core is not obtained by joining rectangular lamination, but we join different type of lamination to obtain rectangular cross section. देखो अब कैसे, इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास
एल शेप्ड लेमिनेशन। इसमें जो लेमिनेशन होती है ना उसकी शेप एल होती है, देखो ऐसे, ये एक एल बन गया ना, उल्टा एल हो गया, ये एक लेमिनेशन है लेकिन ये रेक्टेंगल तो नहीं है, इसके ऊपर दूसरी लेमिनेशन रखते हैं, देखो कैसे, इसके ऊपर ये हमने दूसरी लेमिनेशन रख दी, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्लैक वाली की शेप में तीसरी रखो, फिर ब्लू वाली की शेप में चौथी, फिर ब्लैक में पांचवी, फिर ब्लू में छठी, तो ये कोर कैसा बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर कोर बन जाएगा। दूसरा तरीका होता है आई शेप्ड लेमिनेशन, अब ये आई शेप्ड कैसी होती है देखो, पहले मैं ना बना लेता हूं कि मुझे चाहिए रेक्टेंगल, फाइनली ऐसा मिलना चाहिए ना। अब इसमें ना देखो अलग अलग आई होते हैं, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखो ये एक लेमिनेशन है वन, ये है टू, ये है थ्री और ये है फोर, चार लेमिनेशन एक के ऊपर एक रखी गई है, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रिप है, ऐसी चार स्ट्रिप जोड़ के भी तो रेक्टेंगल बन सकता है, और ऐसे ही दो स्ट्रिप अगर जोड़नी है तो दोनों किसकी होनी चाहिए, एल शेप की। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ये ध्यान रखना रेक्टेंगुलर शीट कभी नहीं काटी जाती, जो लेमिनेशन होगी वो या तो एल शेप होती है या तो आई शेप होती है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके दोनों ड्रॉ कर लो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जब ये एल शेप और आई शेप लेमिनेशन यूज करोगे तो इनको जोड़ने से क्या होता है ना, एयर गैप आने लगता है, एयर गैप आने से रिलक्टेंस बढ़ने लगती है, जबकि ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाते वक्त कंडीशन यही थी कि रिलक्टेंस मिनिमम रखना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड इजीली फ्लो कर पाए। तो हम ये चाहते हैं कभी भी ना एयर गैप कंटिन्यूअस ना बने, यानी एक बार एयर गैप अगर इधर आ रहा है और इधर आ रहा है तो अगली बार एयर गैप इधर और इधर आए, क्योंकि जहां भी लगातार में आ गया वहां का एयर गैप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखना, व्हाइल जॉइनिंग द लेमिनेशन एयर गैप्स आर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाइल जॉइनिंग द लेमिनेशन एयर गैप्स आर इंट्रोड्यूस्ड विच इंक्रीज द रिलक्टेंस सो वी नीड टू मेक श्योर द एयर गैप इज नॉट कंटिन्यूअस, वी नीड टू मेक श्योर द एयर गैप इज नॉट कंटिन्यूअस बाय सूटेबली प्लेसिंग द लेमिनेशन जैसे मान लो पहली लेयर ऐसी है, इसी पोजीशन में थर्ड लेयर हो, इसी में फिफ्थ हो और इसी में सेवेंथ हो, लेकिन जो इवन नंबर वाली लेयर है वो कैसे बने, देखो ये बात समझना, ऑड नंबर वाली मैंने बोल दिया ऐसे हो, ठीक है, ऑड नंबर वाली अगर ऐसे प्लेस कर रहे हो तो इवन वाली कैसे प्लेस करोगे, इवन वाली में क्या होगा कि जॉइनिंग यहां पे हो इस टाइप से, ठीक है, इवन वाली में जॉइनिंग यहां पे हो तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इस तरह से, ये मेरी बात क्लियर हुई। हमने किया क्या यहां पे, एक बार जॉइंट्स यहां दिए हैं, देखो एक बार जॉइंट्स मैंने यहां पे दिए हैं और एक बार जॉइंट्स यहां दिए हैं, जहां भी जॉइंट देते हो वहीं पे क्या आएगा, वहीं पे एयर गैप आएगा। देखो मतलब एक लेयर ऐसी बना लो पतली सी शीट की, इसके ऊपर ये प्लेस कर दो, फिर ऐसी ही तीसरी लेयर उसके ऊपर, चौथी लेयर ये वाली, पांचवी ये, छठी ये, एक लेयर के आगे एक लेयर लगाते जाओ, ये मोटा बनता जाएगा, ठीक है। ये पतली पतली लेयर्स हैं, एकदम पतली पतली लेयर्स हैं,
इनको जब एक के आगे एक लगाओगे तो ये थिकनेस क्या हो जाएगी इस तरह से बढ़ जाएगी ना, तो यही हम कर रहे हैं। बट सारी जो लेयर्स लग रही हैं, पहली शीट और दूसरी शीट एक जैसी नहीं है, पहली शीट अगर ये है तो दूसरी शीट ये, फिर तीसरी यही वाली, फिर चौथी इस शेप में। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एयर गैप को यूनिफॉर्म ना करते हुए ब्रेक कर दिया, आधी लेयर्स में एयर गैप इधर आएगा और बाकी आधी लेयर्स में एयर गैप इधर आएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन द इंसुलेशन एंड देन core is passed through coil opening। इस बात का मतलब देखो ये, कभी भी ऐसा दिमाग में मत रखना कि पहले कोर बनता है और फिर कॉइल उसके ऊपर बाउंड की जाती है, नहीं, पहले कॉइल बनती है, इंसुलेटर पे बांध दी जाती है, फिर कॉइल का एक सिलेंडर रहेगा, इसके बीच में से हम ऐसे कोर पास करा देते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है पूरा, उसके बीच में से क्या पुश कर दिया, कोर, और इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो ये तो कोर टाइप की बात हुई ना, शेल टाइप में क्या होता है, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने कोर और शेल टाइप बताया था, शेल टाइप की जो लेमिनेशन होती है ना वो ई शेप्ड होती है, ई शेप लेमिनेशन कैसी होती है देखो इस टाइप से, एक तरह से लेटा हुआ ई है ना, इसके ऊपर दूसरी लेमिनेशन ऐसी लग जाती है, अब ये समझो देखो ये उल्टा ई आ गया इससे, ये बात समझ आई, एक ई ऐसे पुश करो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो ये बन गया ना शेल टाइप पूरा, तो इसमें ई शेप्ड लेमिनेशन होती है, और कोर टाइप में या तो आई शेप्ड या तो एल शेप्ड, तो ये भी ड्रॉ कर लेना कि शेल टाइप में ई शेप्ड लेमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी कोर की। अब देखो एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं कि कोर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने बोला था ना दो मेन चीजें, एक तो कोर और एक वाइंडिंग। अब कोर के बारे में देखो हमने क्या क्या जान लिया, कोर के बारे में हमने बात कर ली मटेरियल की, फिर हमने बात कर ली लैमिनेशन की कि लैमिनेशन का रीजन क्या होता है, लैमिनेशन कितनी थिक होती है, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, कोर एंड शेल टाइप, इसके बाद हमने क्रॉस सेक्शन की बात कर ली, कोर के क्रॉस सेक्शन में मैंने बताया कि छोटे ट्रांसफॉर्मर्स में रेक्टेंगुलर, फिर हमने देखा दूसरा आइडियल होता है सर्कुलर, जिसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं स्टेप्ड कोर से, और टू स्टेप वाले कोर को कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोर, फिर हमने देख लिया शेप ऑफ लैमिनेशन कि लैमिनेशन किस तरह से प्लेस करके रेक्टेंगुलर कोर बनाया जाता है, चाहे फिर वो कोर टाइप हो या फिर शेल टाइप। तो शेप ऑफ लैमिनेशन में हमने देखा एल शेप्ड, आई शेप्ड और ई शेप्ड। तो ये हमारी बात हुई कि कोर की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोर के साथ साथ इंपॉर्टेंट है हमारी वाइंडिंग। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा था कि शेल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में एलवी और एचवी वाइंडिंग एक के ऊपर एक वाउंड की जाती है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो इसमें लिखना, इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एलवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर एलवी वाइंडिंग such a construction is called concentric winding। यानी देखो, जैसे मान लो ये कोर है, ये मान लो ये है अपना कोर, इसके ऊपर पहले एक पतली सी लेयर आएगी इंसुलेशन की, कोर के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते ना, तो ये इंसुलेशन आ गया। अब इसके ऊपर आएगी पहले एलवी वाइंडिंग, तो ये आ गई एलवी, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से एक इंसुलेशन की लेयर, ये ब्लू वाली जो लेयर है ना, ये इंसुलेशन है दोनों जगह ही, और इसके ऊपर फिर और बड़े रेडियस में एचवी वाइंडिंग। और मैंने बताया था ना, बड़े रेडियस का नुकसान क्या होता है कि ज्यादा कॉपर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि ये जो एलवी और एचवी है सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनकी एक्सिस दोनों की सेम है। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक में नुकसान क्या होता है? जो बाहर वाली वाइंडिंग है ये कोर से काफी दूर हो गई, तो इसका लीकेज बढ़ जाता है। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना, इन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग द आउटर वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग इज अवे फ्रॉम द कोर सो लीकेज इज हायर। ठीक है, यानी इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो कोर में ना पहुंच के एयर से ही अपना पाथ कंप्लीट कर ले, वो फ्लक्स होगा लीकेज फ्लक्स। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि एलवी अंदर और एचवी बाहर क्यों, ऐसा ही क्यों, एचवी अंदर और एलवी बाहर क्यों नहीं? उसका रीजन देखो, मैंने बताया था कि वोल्टेज और इंसुलेशन प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात तो मैंने बताई थी ना, इंसुलेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब यहां इंसुलेशन की देखो दो लेयर हैं, एक अंदर वाली लेयर है और एक बाहर वाली। अंदर वाली लेयर किस पे डिपेंड कर रही है? अंदर वाली वोल्टेज पे, और ये जो लेयर है ये अंदर और बाहर दोनों वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि दो वोल्टेज के बीच में ना एलवी और एचवी, और ये वाली जो लेयर है ये कोर और एलवी के बीच में, तो ये सिर्फ एलवी पे डिपेंड कर रही है। तो अगर अंदर एचवी रखते तो अंदर की वोल्टेज ज्यादा होती, तो अंदर इंसुलेशन भी ज्यादा लगानी पड़ती। दोनों के बीच में जो इंसुलेशन लगेगी वो तो सेम है, क्योंकि वो दोनों वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, बट अंदर जो इंसुलेशन लगेगी वो डिपेंड करेगी अंदर वाली वोल्टेज पे। तो अगर अंदर एचवी लगाओगे तो अंदर की इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, उससे कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, ओवरऑल डायमीटर भी बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ने से कॉपर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, इफ एचवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड इनसाइड देन इनर इंसुलेशन लेयर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड
needs to be increased, which increases the cost, and overall diameter, due to which copper requirement also increases. Next point. If HV winding is present outside, then taps can be provided, by which, different voltage levels can be obtained. देखो ट्रांसफॉर्मर सिंपली ऐसे दिखाते हो ना, अब मान लो ये एलवी वाइंडिंग है, एचवी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अब टैप प्रोवाइड करने का मतलब है, देखो एक टर्मिनल यहां दे दो, एक टर्मिनल यहां, सपोज यहां पे हैं 10 टर्न, यहां 25, अब तुम्हारी मर्जी है सेकेंडरी साइड या एचवी साइड कितने टर्न्स लेने हैं, 25 ले सकते हो, 25, 50 ले सकते हो, 75 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, तो अगर तुम एचवी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हो तो तुम वोल्टेजेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैप्स, ये क्या है, टैप्स है, तो टैप वही प्रोवाइड किए जाते हैं जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पे वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा देखा जा सकता है, ठीक है, तो टैप्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन एचवी साइड। इसका दूसरा रीजन करंट से भी होता है, बट अभी उतनी दूर तक नहीं जा रहे, कि जिस तरफ करंट कम होता है, जहां वोल्टेज ज्यादा होती है ना वहां करंट कम होता है, तो वहां टैप चेंज करना आसान होता है, हाई करंट में अगर एकदम से टैप चेंज करोगे तो रिस्क रहता है, लो करंट पे टैप चेंजिंग पॉसिबल है, तो ये दो रीजन होते हैं, एक तो हाई वोल्टेज पे वोल्टेज की रेंज ज्यादा होती है, वेरिएशन ज्यादा देख सकते हो, और दूसरा लो करंट पे टैप चेंजिंग इज इजियर, ठीक है, तो भले इसको छोटा सा क्वेश्चन बना के लिख लो, एक काम कर लो, why taps are provided on HV side, तो नेक्स्ट इसमें लिखना पहला पॉइंट, HV side has more number of turns, so taps can be easily provided, next point, HV side has lesser current, so tap changing is easier under running condition, और इस वाइंडिंग का नाम लिख लेना सभी लोग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है, अब देखो ज्यादातर जो वाइंडिंग होती है ना इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉन्सेंट्रिक तो जनरल है, एक होती है हेलिकल वाइंडिंग, अब ये हेलिकल वाइंडिंग क्या होती है, देखो जो स्टैंडर्ड तुम वाइंडिंग बनाते हो ना वो हेलिकल ही होती है, हेलिक्स क्या होता है कि सर्कुलर मोशन भी हो और एक्सियल मोशन भी हो, तो ये जो हम वाइंडिंग जनरली दिखा देते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर इस टाइप से, देखो इस टाइप से दिखाते हैं ना, तो इसे कहते हैं हेलिकल, हेलिकल क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग भी नीचे आ रही है और ये सर्कुलर घूम भी रही है, तो हेलिक्स, हेलिक्स में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, सर्कुलर मूवमेंट और एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, तो ये मोशन जैसे अगर दिखाऊं तुम्हें मोशन किस तरह से होता है, इस टाइप से, इसे हेलिक्स कहते हैं, इसी तरह की तो ये वाइंडिंग है, तो इसीलिए इसे क्या बोलोगे, हेलिकल वाइंडिंग, ये कहां यूज होती है, ये जनरली
स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर या स्मॉल एंड लो पावर ट्रांसफॉर्मर्स में हेलिकल वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेस तो कॉन्सेंट्रिक ही करोगे कोर टाइप में, लेकिन एक एक वाइंडिंग किस तरह की बनी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि एलवी और एचवी दिखने में कैसे होते हैं। तो एक हो गया हेलिकल, ठीक है, ऐसे ही दूसरी कैटेगरी होती है इसके अंदर, दूसरी कैटेगरी बनती है सेकेंड क्रॉसओवर वाइंडिंग। अब देखो ये क्रॉसओवर वाइंडिंग में क्या करते हैं, पेपर कवर्ड वायर लेते हैं, पेपर जो है ना ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, हम ये चाहते हैं एक ही वायर के दो टर्न्स टच में ना आए, क्योंकि अगर वो टच में आ गए ना तो दो टर्न्स का कोई मतलब रह नहीं गया, फिर तो एक मोटी वायर ले लेते, बात तो एक ही है। तो टर्न्स को अगर टच में नहीं लाने देना तो किसका यूज करोगे, इंसुलेटर, और वो कौन सा लिया जाता है, पेपर। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह का ना एक सिलेंडर बना लेते हैं अलग अलग टर्न्स से, ऐसे करके मान लो 5-10 टर्न का तुमने एक सिलेंडर बना लिया, ये ऐसे यहां खत्म हुआ और ये यहां से शुरू हुआ था, ऐसे एक सिलेंडर बनाया। इससे कम रेडियस का एक सिलेंडर और ले लो, देखो छोटा सिलेंडर थोड़ा सा, इससे कम रेडियस का ले लिया इसके अंदर, अब ये इसके अंदर रख दो, ऐसे इससे कम रेडियस का उसके भी अंदर, समझ रहे हो कि ये जो सिलेंडर्स हैं अगर मैं बात करूं तो देखो इस तरह से एक ये बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर प्लेस किया, इसके अंदर एक और छोटा सिलेंडर प्लेस कर दिया, इस तरह से एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर डालते जाओ। अब ये जब मल्टीपल सिलेंडर बन जाएंगे तब क्या करना, इस टाइप के मल्टीपल सिलेंडर जोड़ के एक पूरा सिलेंडर बन गया ना ऐसा, मेरी बात समझ आई, ये वायर से बना हुआ है पूरा, इसके अंदर अब मल्टीपल सिलेंडर रखे हैं, ऐसी ही एक और यूनिट ले लो, मैं बोल रहा हूं पहले ही इसके अंदर कंटेन्स मल्टीपल सिलेंडर इनसाइड, ऐसी ही एक और यूनिट ले लो, ये ले ली, अब इन दोनों को जोड़ दो और यहां से तीसरी जोड़ दो, तो ये बीच बीच में जो स्पेस है ना ये स्पेस रह जाती है कूलिंग के लिए, और ऐसे हम लोग कई वाइंडिंग्स को जोड़ते जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसओवर वाइंडिंग, और ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज की जाती है। क्लियर हुआ डायग्राम किस तरह से, कि छोटे ट्रांसफॉर्मर में जब हाई वोल्टेज चाहिए होती है ना तब हम क्रॉसओवर वाइंडिंग का यूज करते हैं, कि ऐसे एक सिलेंडर बनाया वायर का, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर जोड़ा, उसके अंदर और छोटा, इस तरह से एक वायर का ना गट्ठा बन जाएगा, वायर की गड्डी सी बन जाएगी। अच्छा वैसे ये देखा है, ये जो टीवी पे केबल वगैरह की एड आती है कि अलग अलग कंपनीज की केबल आ रही है, वो कैसे दिखाते हैं उसका राउंड पूरा दिखाते हैं ना, एक सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर की तरह, ऐसे ये बन जाएगा, ये जगह खाली है, यहां देखो यहां है सिलेंडर वन, इसके बाहर सपोज सिलेंडर टू, ये एम्प्टी है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ऐसे ही स्ट्रक्चर एक के नीचे एक लगाते जाओगे तो बन जाती है क्रॉसओवर टाइप ऑफ वाइंडिंग। इसमें याद क्या रखना है कि क्रॉसओवर वाइंडिंग का यूज कहां होता है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन इन स्मॉल ट्रांसफॉर्मर। अब लार्ज ट्रांसफॉर्मर में किसका यूज करते हैं, लार्ज ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है डिस्क टाइप वाइंडिंग। अब देखो ये डिस्क टाइप वाइंडिंग कैसी होती है,
पहले तो इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इन लार्ज ट्रांसफॉर्मर या लार्ज पावर रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर। अब इसके अंदर देखो, अगर क्रॉस सेक्शनल दिखाऊं ना, माने ऊपर से देखो, अगर यहां से देखो तो इसके अंदर ना ऐसे एक वायर रहती है मल्टीपल टर्न्स की, ऐसे एक के अंदर एक ही टर्न डालते जाओ। लेकिन यहां जो कंडक्टर यूज होता है ना, वो फ्लैट कंडक्टर होता है, यानी एक तरह से रेक्टेंगुलर टाइप, यहां राउंड कंडक्टर नहीं होता। यहां पे जो कंडक्टर होता है वो राउंड कंडक्टर होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, इसके अंदर टर्न पे टर्न डालते जा रहे हो, ऐसे नीचे नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये साइड से कैसी दिखेगी? देखो, ये साइड से ना ऐसी दिखेगी, जैसे मान लो यहां पे ये है, इसके अंदर एक और टर्न है, इसके अंदर एक और टर्न है, इस तरह से दिखेगी। अब इस तरह की वायर्स को अगर जोड़ दोगे साथ में, इस तरह से, तो इसको बोल देते हैं डिस्क टाइप वाइंडिंग, ठीक है? ऐसे रहेगा हिसाब। इसमें ना ये जो टैप निकलेगा ये अंदर से होगा, ठीक है? एक हिस्सा अगर बाहर है, एक छोर अगर वायर का बाहर है, तो दूसरा एंड अंदर होगा। तो ऐसे लपेट दिए वायर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक टर्न डालते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाती है डिस्क टाइप वाइंडिंग। तो ये तीनों ही कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज कर सकते हो एलवी और एचवी बनाने के लिए। एलवी भी ऐसी हो सकती है, एचवी भी ऐसी हो सकती है, बट जब एक के बाहर एक रख देते हैं तो कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। यानी कॉन्सेंट्रिक जो वाइंडिंग है वो हेलिकल, डिस्क या क्रॉसओवर, इनमें से किसी से ही बनी है। हेलिकल सॉरी, जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है अपना शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? दूसरा होता है अपना शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये ना वाइंडिंग के एप्लीकेशन याद रखना, ये थ्योरी क्वेश्चन की तरह पूछ लेते हैं। अब शेल टाइप में हमने क्या देखा था, सेंट्रल लिंब पे दोनों ही तरह की वाइंडिंग आई थी। सेंट्रल लिंब पे पहले मैंने दिखाया था ऐसे पतला सा एलवी वाइंडिंग, फिर आया था ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स एचवी के, फिर कम नंबर ऑफ टर्न्स फिर से एलवी के, फिर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स एचवी के, फिर कम नंबर ऑफ टर्न्स फिर से एलवी के। तो यहां देखो, अगर एचवी वाइंडिंग देखोगे वो एलवी के दो हिस्सों के बीच में दबी हुई है, इसीलिए यहां पे लिखना इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर Each part of HV winding in shell type transformer, each part of HV winding is sandwiched. Each part of HV winding is sandwiched between two parts of LV winding. Between two parts of LV winding, and hence. It is called as sandwich winding. It is called as sandwich winding. ठीक है, इसको सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग बोला जाता है, जहां पे कि एचवी को सैंडविच कर दिया गया है एलवी के बीच में। अगला पॉइंट लिखना, The direction of flux of the two coils should be opposite to each other according to Lenz's law, and hence both carry current. In opposite direction. देखो, जैसे मान लो ये LV में ऐसा है डॉट क्रॉस, तो लेफ्ट से बाहर आ रहा है
और राइट से अंदर जा रहा है करंट, तो इसका फ्लक्स कैसे बनेगा? अपवर्ड्स, ये हो गया फाई एलवी। एचवी का फ्लक्स उल्टा होना चाहिए, दोनों फ्लक्स अपोज करेंगे, तो अब फ्लक्स डाउनवर्ड्स आने के लिए कैसे जाना चाहिए भाई? करंट फ्लक्स डाउनवर्ड्स है तो लेफ्ट से अंदर और राइट से बाहर, लेफ्ट से करंट अंदर और राइट से बाहर। देखो करंट उल्टे हो गए ना, इसका डॉट क्रॉस है तो इसका क्रॉस डॉट। तो जब दोनों वाइंडिंग जब एक ही लिंब पे बनाई जाती हैं, तो दोनों के करंट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तभी दोनों के फ्लक्स अपोजिंग होते हैं। ये बात क्लियर है? तो देखो ट्रांसफॉर्मर चाहे कोर टाइप हो चाहे शेल टाइप, फ्लक्स प्राइमरी सेकेंडरी या एलवी एचवी का हमेशा अपोजिट होगा लेंज लॉ के हिसाब से। लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, देयर इज बेटर कपलिंग बिटवीन एलवी एंड एचवी वाइंडिंग। देयर इज बेटर कपलिंग बिटवीन एलवी एंड एचवी वाइंडिंग इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर सो लीकेज इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग में देखो हमने कितनी तरह की देखी, हेलिकल टाइप वाइंडिंग, क्रॉसओवर टाइप वाइंडिंग, डिस्क टाइप वाइंडिंग। तीनों में से किसी का भी यूज करके अगर एक के बाहर एक वाइंडिंग रख दो तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, एक के नीचे एक रख दो तो उसे कहते हैं सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो ज्यादातर जो तीन कैटेगरी मैंने बताई है ना वो कोर टाइप के अंदर यूज होती है, यहां सिंपली हेलिकल ही चलता है, वायर को लपेट दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, ये तो देखो मेन पार्ट्स तो हमारे यहां तक कवर हो गए, क्योंकि मेन दो ही पार्ट होते हैं कोर और वाइंडिंग। अब छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लिखना ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन। अब देखो मैंने बताया था बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर एक टैंक के अंदर रखा होता है और वो टैंक ऑयल से भरा होता है। अब जो ऑयल से भरा हुआ टैंक होता है उसमें ऑयल के दो काम होते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मर में जो भी गर्मी पैदा हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको वो कैरी कर लेता है या ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कर देता है, तो जो ऑयल है वो कूलेंट का काम करेगा, और दूसरा वही ऑयल एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है या एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन अलग से भी दे सकते हो, अदरवाइज अगर ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर है तो ऑयल विल एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक एंड एज अ कूलेंट। तो इसमें लिखना द एंटायर ट्रांसफॉर्मर इज प्लेस्ड इन अ टैंक which is filled with oil and the oil has two purpose। पहला लिखो to act as a coolant in order to extract the heat produced by transformer। Second, it provides insulation along with insulated conductor। यानी जो कंडक्टर यूज कर रहे हो ना, जो वायर यूज कर रहे हो, वो वायर पे पहले से इंसुलेशन रहेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, पेपर यूज होता है, ऐसे ही वायर के ऊपर कुछ ना कुछ इंसुलेशन देना भी जरूरी है, और साथ साथ कौन इंसुलेशन प्रोवाइड कर देगा? ऑयल। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑयल का पर्पस क्या है, कूलेंट और इंसुलेशन, बस इतना याद रखना है। अगला कंपोनेंट बुशिंग। अब देखो ये बुशिंग क्या होता है ना, ये एक इंसुलेटर होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसमें क्या होता है ना, इधर से ट्रांसफॉर्मर की वायर आ जाती है,
ये वाइंडिंग वाली वायर है और इधर से हम टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, टर्मिनल जो कि एक्सटर्नल लगने वाला है, बाहर जो टर्मिनल जोड़ने वाले हो ना वो इस पॉइंट पे जुड़ जाता है और ये बाहर ऐसे कनेक्टेड रहता है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। अब देखो जो टैंक होता है वो अक्सर एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, ये खुद भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो मैं ये चाहता हूं जो वाइंडिंग की वायर है वो टैंक से ना जुड़े, तो वाइंडिंग की वायर को टैंक से जुड़ने से रोकने के लिए बीच में एक इंसुलेशन देना पड़ता है और उस इंसुलेशन को कहते हैं बुशिंग। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अगर इस पर थोड़ा सा भी गूगल सर्च भी करोगे ना इसकी बहुत क्लियर इमेजेस तुम्हें दिखेंगी कि बुशिंग होता कैसे, ये तो बस मैंने एक रफ फिगर बनाया, तो इसमें लिखना बुशिंग इज यूज टू प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वायर, बुशिंग इज यूज टू प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वायर टू द ट्रांसफॉर्मर टैंक, टू द ट्रांसफॉर्मर टैंक, अदरवाइज द करेंट कैरीड बाय द वाइंडिंग, अदरवाइज द करेंट कैरीड बाय द वाइंडिंग विल फ्लो थ्रू द टैंक एंड विल नॉट एंटर ट्रांसमिशन लाइन। मैं चाहता हूं ट्रांसफॉर्मर जो करंट डिलीवर कर रहा है ना वो वायर्स में जाए, और अगर उसे पहले ही टैंक से एक रास्ता मिल जाएगा तो वो वायर तक नहीं पहुंचेगा, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, बुशिंग का। अब अगला पॉइंट लिखो बुशिंग में, फॉर ट्रांसफॉर्मर्स अबव 36 केवी बुशिंग इज आइदर ऑयल फिल्ड और कैपेसिटर टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, in oil filled bushing there is a conducting part in form of a cylinder separated by oil from inside of porcelain। देखो जो पोर्सिलेन है ना ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो जो तुम वायर जोड़ने वाले हो ना ट्रांसफॉर्मर की वो तो इस कंडक्टिंग पार्ट से जुड़ेगी, फिर आ जाएगा ऑयल और फिर आ जाएगा इंसुलेटर, तो ऑयल फिल्ड इसे बोला जाता है। ऑयल खुद भी इंसुलेटर का ही काम करता है बट ऑयल कूलिंग भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, तो बीच में ऑयल भरा रहेगा, बाहर इंसुलेटर रहेगा और इसके बाहर रहेगा ट्रांसफॉर्मर का टैंक, तो ये कंडक्टिंग पार्ट किसी भी हालत में टैंक से टच नहीं होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव होता है बुशिंग प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब अगला पार्ट लिखना, कंजर्वेटर एंड ब्रीदर। अब देखो क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर का टैंक होता है ना उसे कभी भी ऊपर तक एकदम फिल नहीं करते, टॉप तक फिल नहीं करते, उसमें थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ऑयल भरने के बाद। अब वो जो ऑयल के ऊपर की जगह होती है उसमें एयर रहती है, ठीक है, और एक वेंट पाइप होता है, एक पाइप होता है जो एयर एक्सट्रैक्ट या एयर खींचने के काम में आ सकता है। अब मेरी बात को समझना, अगर मान लो इस टैंक में यहां तक ऑयल है, ये ऑयल है, इसके ऊपर है एयर, अगर गर्म होके ऑयल फैलना स्टार्ट करे, फैलेगा तो एयर क्या हो जाएगी, कम। एयर कम कैसे हो सकती है, जो एयर है वो ट्रांसफॉर्मर के बाहर निकल जाए, बाहर कहां से निकलेगी, पाइप से, तो हमें ऐसा लगेगा ट्रांसफॉर्मर ने सांस छोड़ी है बाहर की तरफ। अगर ट्रांसफॉर्मर एयर को छोड़ रहा है तो इट इज लाइक ब्रीदिंग आउट। ऑयल ठंडा होने पर नीचे आया तो एयर बढ़नी चाहिए, एयर बढ़ेगी कैसे, जब ये बाहर से खींचेगा तो हमें लगेगा सांस अंदर खींच रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर की ब्रीथिंग। और ब्रीदर जो होता है वो क्या होता है, एक पाइप होता है,
लेकिन अब इसमें एक रिस्क है कि जब हवा बाहर से अंदर आएगी तो मॉइस्चर ना ले आए। उस मॉइस्चर को बचाने के लिए बीच में लगाया जाता है एक सिलिका जेल। तो एयर जब पाइप से घुसती है तो सिलिका जेल से पास होती है जो उस एयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर को अंदर भेजता है। तो इसमें लिखना द ट्रांसफॉर्मर टैंक इज नेवर कंप्लीटली फिल्ड। द ट्रांसफॉर्मर टैंक इज नेवर कंप्लीटली फिल्ड बट सम स्पेस इज लेफ्ट फॉर एयर। नेक्स्ट पॉइंट, when oil is heated oil expands and volume of air reduces due to which air must be leaving the tank through the vent vent लिख लेना vent pipe and similarly when oil cools down it contracts and volume of air increases which happens by air flowing into transformer through vent pipe. Next point, the air coming into the transformer should not contain moisture otherwise dielectric strength of oil reduces so silica gel is placed in vent pipe which absorbs moisture from incoming air. ठीक है, next point, the pushing out and suction of air from atmosphere is called breathing of transformer. ठीक है, तो ब्रीदर क्या हुआ, वेंट पाइप हुआ जिसमें सिलिका जेल प्लेस्ड है। अब बात है अगला पार्ट, कंजर्वेटर क्या है। कंजर्वेटर अगर देखो, कभी देखा हो ना ट्रांसफॉर्मर के आसपास से गुजरे हो तो उसके ऊपर ना ऐसे एक सिलेंड्रिकल ड्रम लगा रहता है। ये सिलेंड्रिकल ड्रम क्या होता है, इसके अंदर ऑयल रहता है। तो जब ये ऑयल एक्सपैंड करके बढ़ता है तो ये कंजर्वेटर में जाता है। ऑयल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम होता है, तो ये कंजर्वेटर से टैंक की तरफ आ जाता है। तो ये समझ सकते हो एक रिजर्व में ऑयल रखा हुआ है। तो जब ऑयल कम होगा तो कंजर्वेटर से किसमें आ जाएगा, टैंक में। ऑयल बढ़ेगा तो कहां जाएगा, टैंक से कंजर्वेटर। और ये जो ऑयल का फ्लो होता है ना, इसका यूज हम करते हैं जब पावर सिस्टम पढ़ते हैं, बकल्स रिले के अंदर। बकल्स रिले की वर्किंग में इस ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, कि ऑयल कंजर्वेटर में जा रहा है या कंजर्वेटर से आ रहा है। तो इसमें लिखना, कंजर्वेटर इज एन एयर टाइट सिलेंड्रिकल ड्रम which is partially filled with oil and prevents oil from coming in contact prevents
oil from coming in contact with the air, next point, when oil rapidly expands, due to fault, it rushes towards conservator, and when it contracts, it comes back from conservator to the tank. Next point. Conservator is mounted above. Transformer tank is mounted above transformer tank. ठीक है? तो ये छोटे-छोटे पार्ट हैं. इंसुलेशन, बुशिंग, कंजर्वेटर, ब्रीदर, ये तीन चार छोटी छोटी चीजें हैं जिनका पर्पस क्लियर होना चाहिए. ज्यादा डिटेल में इनको कवर करने की जरूरत नहीं है. तो ओवरऑल देखो, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है कोर. जैसा मैंने अभी समराइज भी किया था कि कोर के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए. फिर हमने वाइंडिंग देखा, कोर टाइप में कॉन्सेंट्रिक, शेल टाइप में सैंडविच, और शेप तीन तरह की देखी, हेलिकल, क्रॉसओवर और डिस्क टाइप. फिर छोटे छोटे पार्ट हमने और कवर किए, इंसुलेशन जो कि ऑयल होता है, बुशिंग जो कि कंडक्टर और टैंक को सेपरेट रखता है, कंजर्वेटर जो एक्स्ट्रा ऑयल कैरी करता है, ब्रीदर जिसमें सिलिका जेल रखा जाता है ताकि एयर जब अंदर आए तो मॉइस्चर ना लाए. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. अब हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे, आगे जो बातें करेंगे, अब हम ट्रांसफॉर्मर के मेन पार्ट में उतरेंगे जहां न्यूमेरिकल टॉपिक्स की बात होगी, जहां डेरिवेशंस होंगे, फेजर डायग्राम्स होंगे. अब वो सारी बातें होंगी. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमारा इतना ही रहता है. कंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए काफी रेलिवेंट है. ठीक है, तो आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.